Hello guys, this is Prachi and welcome back to Prachi Foundation online classes. जैसे बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मेरा है लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इसमें मैं कुछ आपको ऑथर्स के बारे में बता इस ऑथर के बारे में बताऊंगी और हम बात करेंगे इस चैप्टर के समरी की। और ये चैप्टर है हमारा मिसेस पैकलेटाइड्स टाइगर। तो अगर हम इसके ऑथर की बात करें तो उनका जो नाम था वो पूरा नाम था हेक्टर ह्यूज मुनरो, और उनको जाना जाता था साकी के नाम से भी। वो एक ब्रिटिश राइटर थे और उनका जो जन्म था वो 1870 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1916 में। और उन्हें जाना जाता था, वो बहुत शॉर्ट स्टोरी लिखते थे और उनकी जो स्टोरीज होती थी वो जो ये जो समाज है उसके ऊपर उनकी एक कल्चर जो है उसकी बड़े हास्यप्रद तरीके से निंदा करना हंसते हुए, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अब इसके समरीज की तरफ आते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, हास्य रस की कहानी है। और इसमें क्या होता है, जो श्रीमती पैकलेटाइड है वो एक उसने एक निर्णय लिया कि वो एक टाइगर का शिकार करेगी और उसी का ही पूरा इसमें वर्णन किया गया है। तो मिसेस पैकलेटाइड जो होती है उसके मन में ये इच्छा कहाँ से आई और क्या इसकी जो ये इच्छा थी क्या पूरी होती है, तो इसी के लिए हम इस पूरे चैप्टर में हमने पूरे डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो उसकी ये जो इच्छा है किसी बहादुरी की भावना से प्रेरित नहीं होती है। इसका मुख्य कारण था वो लेडीज़, कौन सी लेडी, लूना बिवोटन, ठीक है, उसके प्रति उसकी जलन और ईर्ष्या की भावना के कारण उसके मन में भी एक टाइगर को मारने का, शिकार करने का आइडिया आता है। तो वो जो लूना बिबर्टन थी, एक बार क्या हुआ उसके पास कि एक ये जो वायुयान चालक था उसके साथ बैठकर उसने हवाई जहाज़ की सैर की थी और हमेशा इस बारे में वो लंबी लंबी डींगे मारती रहती थी। और ये सब सुनकर जो है श्रीमती पैकलेटाइड को बहुत ही ईर्ष्या महसूस होती है और अब वो निश्चय करती है कि वो भी अब कोई ऐसा काम करेगी जिसकी चर्चा जो है वो सभी की जुबान पर हो। और इस घटना संबंधी जितना भी डिस्क्रिप्शन है या जितना भी वर्णन है उसके स्वयं, उसके मित्र, सभी जो लोग हैं वो समाचार पत्रों में इसके बारे में छपे, ठीक है। तो इसी तरह से वो एक बार टाइगर का शिकार करने का निश्चय करती है और इस काम में अपनी सहायता के बदले वो 1000 तक देने को तैयार हो जाती है। और जिस कारण क्या होता है कि रुपये के लालच में पड़ोस वाले एक गांव के लोग उसके लिए एक बूढ़े टाइगर को ढूंढ ही लेते हैं। और जिस कारण उनका यही सोचना था कि ऐसा बूढ़ा टाइगर अगर मिल जाता है तो ये जो लेडी है श्रीमती पैकलेटाइड वो आसानी से इसका शिकार कर सकेगी। तो लगभग जो है वो शिकार की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं और टाइगर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक गोट, एक बकरी का भी प्रबंध कर दिया जाता है। तो जब बाघ सामने आता है और जैसे ही मिसेस पैकलेटाइड गोली चलाती है तो बाघ वहीं ढेर हो जाता है, मर जाता है। और जिस कारण ये जो मिसेस पैकलेटाइड है उसको बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है। लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि ये जो ओल्ड टाइगर था उसकी जो डेथ है वो गोली लगने से नहीं अपितु गोली की आवाज़ के डर से, हार्ट अटैक से हुई है। क्योंकि गोली जो लगी थी वो बाघ को लगने की बजाय, बाघ माने टाइगर को लगने की बजाय बकरी को जाकर लगी थी और वो जो बकरी थी वो मारी गई थी। तो मिसेस पैकलेटाइड को एक वो जो उसकी पेट कंपेनियन थी, कौन थी उसकी पेट कंपेनियन, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए, सोचिए किसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे थे। लुइजा मैबेन, कुछ याद आया?
तो लुइजा मैबिन जो है वो इस रहस्य को जानती है और ये सीक्रेट वो पब्लिकली सबको बता देगी, ऐसी धमकी वो दे देकर श्रीमती पैकलेटाइट से पैसे भी ऐंठती है और लास्ट में उससे बंगला भी लेती है। तो इस कारण ये जो मिसेस पैकलेटाइट थी उनको ये टाइगर का जो शिकार है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, और जिस कारण वो फैसला लेती है कि वो भविष्य में कभी भी बड़े जंगली जानवरों का शिकार नहीं करेगी। तो ये था इस चैप्टर की समरी। आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा और ये इसकी समरी भी अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि बाद के और भी चैप्टर्स जो है वो आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।